हेलो डियर स्टूडेंट्स इन डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या था क्वेश्चन नंबर वॉज पी एंड पी प्लस वन आर टू प्राइम नंबर्स द वैल्यू ऑफ पी इन पी प्लस वन होल अपॉन टू पी प्लस वन इज तो स्टूडेंट बड़ा ही आसान सा सवाल है क्योंकि यहां पे हमें गिवन क्या है पी एंड पी प्लस वन आर टू प्राइम नंबर्स यही क्लिक करना चाहिए कि दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स तो यहां पर हमें क्लिक हो जाना चाहिए कि जो दो प्राइम नंबर्स होंगे वो टू एंड थ्री ही होंगे क्योंकि अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आएंगे तो आप समझिए कि एक ईवन आएगा और इवन प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा है टू तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो दो नंबर्स हैं वो टू और थ्री होंगे तो डेफिनेट सी बात है p हमारे पास टू हो जाएगा और p प्लस वन क्या हो जाएगा थ्री अब हमें सिंपली वैल्यू फाइंड करनी है p इन पी प्लस वन अपॉन टू पी प्लस वन की तो पी की जगह हमने टू डाला एंड पी प्लस वन की जगह हमने थ्री डाला एंड इन द डिनोमिनेटर टू इंटू पी है तो टू इंटू पी कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा और प्लस वन करना है तो न्यूमिनेटर में सिक्स और डिनोमिनेटर में फोर प्लस वन कितनी आ जाएगी वैल्यू फाइव सो so, अब यहां पर उन्होंने सीधा नहीं पूछा वैल्यू नहीं पूछी उन्होंने ये पूछा है कि ये नंबर किसके बीच में लाई करता है तो बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि सिक्स बाय फाइव को हम ऐसे लिख सकते हैं ट्लाइज बिटवीन फाइव बाय फाइव एंड सेवन बाय फाइव वट इज फाइव बाय फाइव इट इज वन सो यानी कि वैल्यू लाई करती है वन और सेवन बाय फाइव क्लियरली हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर This question. Let's move to the next problem. So, question number 7 here is A, B, C, D are real numbers such that A minus 2023 is equals to B plus 2024 is equals to C minus 2025 and is equal to D plus 2026. स्टूडेंट्स इस तरह का जब भी क्वेश्चन का एक नंबर के रिस्पेक्ट में लेकर आ जाए तो बहुत आसान सा काम है या तो आप इसको बराबर टू एक नंबर के ले लीजिए या इन्हीं में से किसी एक नंबर के बराबर इनको ले आइए तो बहुत आसान काम है अगर हम ऐसा कर दें कि अगर हम फर्स्ट टू वैल्यूज को लेते हैं यानी कि ए माइनस 2023 को B प्लस टू के बराबर करते हैं तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आती है स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमें गिवन है उसमें से यहाँ पे जो A की वैल्यू आएगी वो आएगी B प्लस फोर हमने क्या किया सिंपली इसको इधर शिफ्ट किया और ये वैल्यू आ गई तो ए को हमने बी के टर्म्स में निकाल लिया इसी तरीके से हम बाकी नंबर्स के साथ भी यही करेंगे so, तो के बराबर करेंगे तो हम यहां देख सकते हैं कि सी की वैल्यू कितनी आएगी अगेन यहाँ से इस नंबर को इधर शिफ्ट करेंगे माइनस है इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा सो so, सी की वैल्यू कितनी आई बी प्लस फोर अब इन द सिमिलर वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी ये दोनों बराबर थे तो यहां से अगर डी की वैल्यू निकालेंगे इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहां पे 2024 है, 26 है इधर आकर माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस टू वैल्यू आ जाएगी तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बी माइनस टू अब आप देख सकते हैं बी की वैल्यू तो बी है ए की वैल्यू बी में कोई एक नंबर ऐड हो रहा है सी की वैल्यू भी बी में कुछ नंबर ऐड हो रहा है और डी की वैल्यू में तो बी में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है हमसे पूछा क्या है ग्रेटेस्ट नंबर तो आप ये देखिए कि B की वैल्यू में सबसे ज्यादा वैल्यू आप देख सकते हैं बी की वैल्यू में सबसे ज़्यादा पर हो रही है तो, है, सब रही है, that is 4049. तो clearly, जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो कौन सा हो जाएगा C. तो हमारा option number C ही C था कि करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम इन दिगर AE टू ए वन है हमें AD ये ये लेंथ इक्वल गिवन है वी नीड टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ई ए डी यानी कि हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है स्टूडेंट्स so, क्वेश्चन so, बहुत ही सिंपल है ज्योमेट्री का है लेट्स सी कैसे सॉल्व करना है तो स्टूडेंट्स यहां पर हम इन ट्राइंगल ए बी सी देख सकते हैं ये जो ट्राइंगल है ए बी सी इसके अंदर हम एंगल सम प्रॉपर्टी बहुत ईजिल लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दो एंगल हमें एक्स के फॉर्म में गिवन है दैट इज टू एक्स एंड एक्स बाय टू एंड ये एंगल हमें नाइन्टी डिग्री गिवन है तो जब हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे दैट इज टू एक्स प्लस एक्स बाय टू प्लस नाइन्टी डिग्री दैट कम्स अपू भी वन एटी डिग्री और यहाँ से सॉल्व करने पर यह आएगा फाइव बाई टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू नाइनटी जहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास थर्टी सिक्स आ जाएगी नाउ स्टूडेंट एक्स की वैल्यू आते हमें पता चल गया कि हमें ये वाला एंगल ई पता है हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन थी कि ई ए इज इक्वल टू ए डी है तो हम जानते हैं कि इफ इन अ ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल देन द एंगल अपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल सो स्टूडेंट्स अगर ये एंगल एक्स है सो दैट मीन्स ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा एक्स तो so, x की वैल्यू हमें पता है सो इन ट्राएंगल हम ई ए डी में अगर एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हम देख सकते हैं x प्लस एक्स प्लस रिक्वायर्ड एंगल दैट इज एंगल ई ए डी ये वाला एंगल that so will be equals to 180 degree so you yeah, have on simplification we will very easily get the angle value of angle e a d as 108 degree that is option number d that is the correct answer for this question let us move to the next problem that is the largest three digit number which is exactly divisible by the hcf of 24 and 36 is n the value of n plus 4 is equal to स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या है लार्जेस्ट थ्री नंबर जो कि एक्जैक्टली डिविजिबल हो एच सी एफ ऑफ ट्वेंटी फोर एंड थर्टी सिक्स है उसे हमें एन मानना है और हमें एन प्लस फोर की वैल्यू निकालनी है तो स्टूडेंट्स ट्वेंटी फोर और थर्टी सिक्स का एच सी एफ निकालना बहुत आसान है देखिए यहाँ पर हम ट्वेंटी फोर और थर्टी सिक्स का एल सी एम एच सी एफ निकालेंगे तो यहाँ पर ट्वेल्व आएगा कैसे आप ट्वेंटी फोर को लिख सकते हैं ट्वेल्व इंटू टू और थर्टी सिक्स को क्या लिख सकते हैं ट्वेल्व इंटू थ्री तो जो कॉमन पार्ट है वो कितना है हमारे पास ट्वेल्व तो यहाँ पर एच सी एफ कितना आ गया हमारे पास ट्वेल्व अब यहाँ पर 12 एचसीएफ है लेकिन हमें फाइंड क्या करना है एन और एन के लिए क्या स्पेशलिटी है कि वो लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो तो लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या है 999 सो so स्टूडेंट्स अगर हम 999 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं पहले 8 टाइम्स जाएगा रिमाइंडर 3 आएगा फिर एट थ्री टाइम्स जाएगा तो थर्टी सिक्स से हम थर्टी सिक्स लिखेंगे माइनस होगा तो थ्री रिमाइंडर आ जाएगा इसका मतलब इसको एक्जैक्टली exactly डिविजिबल बनाने के लिए हमें थ्री को क्या करना पड़ेगा नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सो स्टूडेंट्स यहां पर अगर अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो वैल्यू कितनी आएगी एन की नाइन हंड्रेड नाइन्टी सिक्स हमें

देन इट इज़ पैरल टू सी डी एंड इट इज़ पैरल टू ई एफ एज वेल यानी कि ये चारों लाइन सेगमेंट जो है वो आपस में पैरल है ए बी की लेंथ हमें सिक्स गिवन है सिक्स यूनिट जी एच की जो लेंथ है दैट इज़ फोर यूनिट हमें गिवन है देन सी डी की जो लेंथ है वो फाइव यूनिट गिवन है एंड देन ई एफ की जो लेंथ है वो हमें नाइन यूनिट गिवन है एंड देन बी सी की जो लेंथ है टोटल ये वाली जो लेंथ है ये हमें एट गिवन है एंड ये भी केवन है डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पार्लल लाइन जितनी भी लाइन्स आपस में पैरल हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है थ्री यूनिट का है सबके बीच में इक्वल है एंड दैट इज थ्री है अब स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पर ये दोनों लाइन्स पैरल हैं और ये एंगल नाइन्टी डिग्री का है तो उसका मतलब ये दोनों लाइन भी आपस में पैरल होंगी अब हम इसमें क्या करेंगे हम आ, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटेजी क्या रखते हैं ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम जो गिवन फिगर है उसे ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिनका कि एरिया हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर लें तो यहाँ मैं देख सकती हूँ कि अगर मैं इसे कंप्लीटली एक्सटेंड कर दूँ यहाँ से ये यह थ्री यूनिट की लेंथ है तो ये एक ट्रिपेजियम का शेप ले लेगा ले सिमिलरली हम यहाँ से इसको एक्सटेंड कर दें तो ये भी एक ट्रिपेजियम का शेप ले लेगा एंड ये जो शेप आएगा दैट विल बी अ रेक्टेंगल यहाँ पर क्या आ जाएगा ये रेक्टेंगल आ जाएगा अब इसकी वजह से जो मेजरमेंट्स आएंगे वो हम समझ लेते हैं एक बार तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टोटल लेंथ एट गिवन थी और यहाँ पर अगर हम देखें कि ये वाली लेंथ जो हमारे पास थी फाइव और ये नाइन है यहाँ से हमने एक्सटेंड कर दिया थ्री तो ये टोटल लेंथ हमारे पास कितनी हो गई एट और ये हमारे पास कितनी लेंथ नाइन इनके बीच में हाइट कितनी है थ्री तो अगर इस ट्रिपेजियम का एरिया हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास अपोजिट साइड्स की लेंथ है और उनके बीच का डिस्टेंस भी हमें पता है सिमिलरली अगर हम इस वाले ट्रिपेजियम की बात करें तो ये डिस्टेंस हमें पता है क्योंकि ये थ्री यूनिट गिवन है हमें और इसके अलावा ये सिक्स पता है एंड फोर ये है एंड थ्री हमने एक्सटेंड किया है तो टोटल सेवन हो गया तो यहाँ पर भी पैलस साइड्स की लेंथ हमें गिवन है यानी ये सिक्स है और ये टोटल कितनी हो गई सेवन और ये कितनी हो गई हाइट इसकी थ्री अब आप देखिए ये टोटल एट था तो यहाँ से ये जो एट लेंथ है उसमें से हमने थ्री कट कर दी तो ये वाली जो लेंथ रह गई हमारे पास छोटी सी ये कितनी हो गई फाइव और इसके अलावा ये जो डायमेंशन है यहाँ से यहां तक इस रेक्टेंगल की अगर मैं बात कर रही हूं तो ये लेंथ फाइव है और ये जो ब्रेथ आई है इसकी ये कितनी आ गई थ्री तो हमने इस तरीके से इसे तीन पार्ट्स में तोड़ दिया है सो दिस इज फर्स्ट एरिया दिस इज सेकेंड एरिया एंड दिस इज थर्ड एरिया अब इनका एरिया कैलकुलेट करना बहुत आसान है सिंस पहले

डिस्टेंस कितना हुआ पैदल साइड के बीच में थ्री और सम ऑफ द अपोजिट साइड ये टोटल नाइन है ये फाइव प्लस थ्री एट है तो अगर हम नाइन प्लस एट करेंगे दैट विल बी सेवनटीन एंड बीच वाला रेक्टेंगल दैट इज थ्री इंटू फाइव टोटल एरिया कैलकुलेट करना बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है हम इसे फ्रैक्शन में रहने देंगे ताकि ये दोनों एडअप ईजिली हो जाए तो यहाँ पे एडअप करेंगे इसको नाइनटी बाई टू दैट इज फोर्टी फाइव और टोटल सिक्सटी हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज वॉज अ वेरी इजी कैलकुलेशन सो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर वन टू टेन के सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे फॉर द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर इलेवन टू फिफ्टीन यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग